हर खबर पर पैनी नजर, आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। युवा भारत साधु समाज के महामंत्री रविदेव शास्त्री ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। उन्होंने कहा, गुरुवार को हर की पौड़ी पर 11 बजे धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा। रविदेव शास्त्री ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, धरना प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद गिरी महाराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी जगजीत सिंह शास्त्री, कोषाध्यक्ष स्वामी श्रुति शरण मुनि महाराज, स्वामी दिनेश दास महाराज, स्वामी प्रेमदास महाराज सहित अन्य गणमान्य संतजन मौजूद रहेंगे। हमारे सभी युवा भारत साधु समाज के संत महंत तथा पदाधिकारियों से विनम्र प्रार्थना है कि उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को लेकर के कल धरना प्रदर्शन रखा गया है। सरकार की ओर से 2019 में यह विधेयक पास किया था कि देवस्थानम बोर्ड को बना करके जिस प्रकार से श्राइन बोर्ड के तर्ज पर इसको विकसित किया गया था, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, पूरे सनातन संस्कृति के लिए। अगर इस प्रकार से मठ मंदिर धर्म स्थानों को अधिकृत किया गया तो वैसे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जिसके कारण से हमारे जो यहाँ के मूल भूत सुविधाओं को पाने वाले लोग हैं वो उन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। और साथ ही जो पंडा समाज हैं, जो मंदिरों के रखरखाव करने वाले हैं, जिनके उनका अधिकार है, वो अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण से फिर लोगों में एक जो आकर्षण है धर्म के प्रति वो आकर्षण कम हो जाएगा। हम सभी से प्रार्थना करना चाहेंगे, सरकार से अपने अपील करना चाहेंगे कि ये देवस्थान बोर्ड को तत्काल भंग करके जो मठ मंदिरों में जो स्वायत्तता थी, जो चार धाम विकास समिति बनी हुई है, उसी को जैसे पूर्ववत वो संचालन करते आए हैं उसी प्रकार से उनको संचालन करने दिया जाए। तो आप सब कल हर की पौड़ी में 11 बजे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर के युवा भारत साधु समाज धरना प्रदर्शन करने जा रही है। आप सब समय पर उपस्थित होकर के अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय साधु समाज।